नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं XIRR फंक्शन फॉर SIP रिटर्न्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल देखेंगे, जहाँ पर एक SIP का रिटर्न देखेंगे और एक इरेगुलर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एम्फी इंडिया का डेफिनेशन समझ लेते हैं XIRR के बारे में। एम्फी इंडिया कहती है कि XIRR ये एक एग्रीगेट CAGR है फॉर ईच कैश फ्लो, यानी आप जितने भी कैश फ्लोज लेते हो उसका जो वन कॉमन CAGR होता है उसे XIRR कहते हैं, ऐसा एम्फी इंडिया का डेफिनेशन है। तो हम देखेंगे ये कैसे होता है एग्जांपल नंबर टू में। तो अभी हम एक जो XIRR फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम हमारा जो मंथली SIP का इंस्टॉलमेंट होगा उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे, यानी नेगेटिव अमाउंट देंगे, और जो हमारा रिडम्पशन का वैल्यू होगा उसे हम फर्स्ट पॉजिटिव कैश फ्लो देंगे, ठीक है। और एक रूल होता है, थंब रूल होता है रिटर्न कैलकुलेशन के लिए, कि जहाँ पर लमसम हो और एक साल से ज़्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो तो वहाँ पर CAGR इस्तेमाल करते हैं रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, और जहाँ पर मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट हो और डिफरेंट टाइम पीरियड है वहाँ पर हम XIRR फॉर्मूला से रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा रिटर्न कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर वन, जहाँ पर मैं हर महीने एक 5,000 रुपये की SIP भर रहा हूँ और मैंने नवंबर 2018 तक हर महीने 5,000 रुपये उसमें भरे हैं और 7 दिसंबर को मैंने उसको रिडम्पशन कर लिया है और मुझे तब टोटल 60,000 मिले। तो यहाँ पर हम XIRR फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो 18.74% आता है, यानी इतना हमें रिटर्न मिला है इस इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। यानी अगर आपको जब भी अगर SIP का अगर आपको रिटर्न मालूम करना है तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके रखा है तो मैं उसको मिटा देता हूँ और आपके सामने वापस करता हूँ, ठीक है। तो जाइए डिज़ायर्ड सेल में जहाँ पर आपको आपका रिटर्न निकालना है SIP का, और वहाँ पर लिख दीजिए XIRR, तो वो वैल्यूज़ पूछेगा, तो ठीक है, तो आप उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ से, आपके सारे वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, अप टू रिडम्पशन, और उसको डेट्स प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो सारे डेट्स उसको प्रोवाइड कर दीजिए उसके बाद में, और ओके प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका SIP का रिटर्न कितना आया है, ठीक है। आपको इस तरह से आप XIRR फॉर्मूला से आपका रिटर्न पता कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा SIP का। अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर दो, जहाँ पर इरेगुलर टाइम पीरियड है और इरेगुलर अमाउंट है, ठीक है। तो उसका हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।